तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और चलिए एक बार फिर से मेरे पिंकूस ब्लॉग में स्वागत है। और तो दिखाते हैं उरण का वीडियो, जो कि रेलवे उरण रेलवे स्टेशन का है। तो बने रहिए इस वीडियो में और बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इन सुविधाओं, जो सुविधा दी गई है, सुविधाओं के बारे में बात करें, वो जानकारी देने की कोशिश करूँगा जो आपको चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती, तो हम उस चीज़ों को दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए उरण स्टेशन का वीडियो। दोस्तों, जो मैं पहला वीडियो दिया था, यहाँ इस गेट से स्टार्ट किया था, और आपको ये टिकट काउंटर के यहाँ से शुरुआत करते हुए आपको ये पूरे पार्किंग को दिखाया था। और ये पार्किंग देख रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल पूरा भर चुका है, और धीरे 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 मेरे ख्याल से सभी लोग जान जाएंगे कि भाई ये टिकट काउंटर है और ये पार्किंग एरिया है, क्योंकि अभी लगभग लोग देख टाक के तो सीख ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ज़बरदस्त उरण का जो रेलवे स्टेशन है, वो आपको देखने में ही इतना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, मैंने इसका एंट्री जो दिखाया था, वो उसको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। तो चलिए एंट्री की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से दोस्तों, यहाँ पे एंट्री के बाहर ही आपको रिक्शा वगैरह का सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं बाहर जाके, और अगर मज़ा लेना है तो थोड़ा सा गार्डन वगैरह भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे एंट्री करते हैं तो आपको दो गार्डन मिलता है, राइट और लेफ्ट में, और सामने टिकट काउंटर, जो कि अभी भीड़ लगा हुआ है, और ये प्रधान रहा है। दोस्तों, अगर कभी उरण नाम नहीं सुना होगा तो उरण सर्च कर लीजिएगा, और उरण से आपको, अगर आप सोचेंगे उरण से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उरण से बहुत लोगों को बहुत सारा फ़ायदा है, और बहुत लोगों को फ़ायदा नहीं है। और जिन लोगों को फ़ायदा है, वो ज़रूर उरण को सर्च करते हैं और उरण तक आते हैं, क्योंकि उरण में आने वाले वो लोग जो अभी इस ये लोकल चालू होने के बाद उनको बहुत सारी सुविधा मिली हुई है। और हम आपको बता दें, उरण के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो अगर इस गेट से निकलते हैं तो आपको ये पिकअप पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार पिकअप है। और दूसरी बात कि यहाँ पे टू व्हीलर वगैरह आप खड़ा कर सकते हैं, ये सारी यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। और जस्ट इसके बगल और उसके बगल में ये टिकट काउंटर भी है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं रेलवे लाइन के अंदर, और उस तरफ जाके देखते हैं कि उस तरफ क्या बना हुआ है। ये है एंट्री।
तो दोस्तों इस चैनल में देने वाली जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और ये बताइएगा कि इस उड़न को शुरुआत हुआ तो आपको कितना खुशी हुआ, क्योंकि आप अगर इस एरिया में रहते होंगे तो आते जरूर होंगे, और आने में आपको इसकी सुविधाएं कैसी लगी तो बताइएगा जरूर। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, और भी दिखाते हैं उड़न का पूरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों बताइएगा जरूर ये उड़न का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं उलुए के लिए। अगर आप कमेंट करते हैं इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हम इसके लिए दूसरा पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस, हमने अभी टिकट निकाल ली है बामन डोंगरी के लिए, चलिए निकलते हैं बामन डोंगरी के लिए।
तो बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा जो कि उरण का मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। तब तक के लिए बाय बाय।